हाय गाइस, वेलकम बैक टू द माइंड ब्लॉग। गाइस आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। तो गाइस लोग, मैं हूं दीपू, आप लोग देख रहे हैं दीपू का ब्लॉग। तो गाइस लोग, आज आप लोगों को अपने ब्लॉग के मतलब बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा होगा। तो गाइस लोग, मैं दूसरी जगह ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मतलब मेरे रूम तो वही है बट ये दूसरा वाला कोना है, तो वहाँ पर मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना। तो गाइस लोग, आज के अपने ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों को कुबेरेश्वर धाम में जो अभी 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था तो वो दिखाने वाला हूँ। तो गाइस लोग, मैं भी वहाँ पर गया था और गाइस लोग, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी 2022 के इस रुद्राक्ष महोत्सव में। तो गाइस लोग, वहाँ पर रुद्राक्ष महोत्सव था और गाइस लोग कथा भी थी। तो गाइस लोग, कुबेरेश्वर धाम में मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लॉग बनाया और कितनी भीड़ थी, मैंने भीड़ का भी ब्लॉग बनाया और गाइस लोग ट्रैफिक में हम फंसे थे तो वहाँ का भी ब्लॉग है। तो गाइस लोग, मैंने कुबेरेश्वर धाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वीडियोस बनाए हुए हैं। तो गाइस लोग, वो वीडियोस अभी आगे आप लोग ब्लॉग में देखोगे। तो गाइस लोग, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। तो गाइस लोग, प्लीज़ मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको पूरी देखना, क्योंकि तो चले गाइस लोग, अपन लोग बिना किसी तरीके अपना आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चले गाइस लोग, हर हर महादेव। तो गाइस लोग, अपना ट्रेवल व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से और ये जो कार है हम इसमें गए थे सीहोर। तो गाइस लोग, अभी आगे आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिलेगा वहाँ का। तो गाइस लोग, अभी हम लोग गए थे उस दिन, मतलब 28 तारीख थी और गाइस लोग नई कथा भी चालू हो रही थी और उसी दिन से रुद्राक्ष महोत्सव था ये अपने 2022 का। तो गाइस लोग, ये जो फ़ोटोज़ देख रहे हो ये मानपुर घाट की थी और ये आगे मतलब सूर्योदय हो रहे थे तो वहाँ की फ़ोटो थी। और ये जो वीडियो देख रहे हो, तो गाइस लोग, हम लोग ट्रैफिक में फंस चुके थे और गाइस लोग ट्रैफिक कम से कम 6 से 7 किलोमीटर लंबा जाम था, उसके अंदर हम लोग फंसे थे। और फिर ये आगे जाके वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जाम हो रहा था तो फिर खेतों में से गाड़ियाँ निकाली थी और यहाँ पर भी हम लोग फंसे थे। तो गाइस लोग, आप लोग देख ही सकते हो और ये वाली कार में हम लोग गए थे, तो आप लोग देख रहे हो और अभी हम लोग यहाँ पर फंसे हुए और सब उधर आगे देखने गए हैं कि क्या हुआ है, मतलब गाड़ी के डीजल टैंक फट रहे थे क्योंकि दग्गड़ वग्गड़ थे खेत में इसी कारण से। तो अभी आगे का आप लोगों को, तो गाइस लोग, ये आप लोग देख सकते हो कि हम लोग पहुंच गए हैं। तो गाइस लोग, उसके बीच के जो क्लिप्स थी वीडियो की तो वो उड़ गई है, मतलब उड़ गई मतलब ऐसा नहीं कि उड़ा दी मैंने, तो गाइस लोग वो डिलीट हो गई है क्योंकि मेरी SD कार्ड करप्ट हो गई है तो उसी वजह से वो वीडियोस चल गई है, तो जाने दो। तो ये पांडाल में आप लोग देख सकते हो कि गाइस लोग रुद्राक्ष महोत्सव के कारण कितनी ज़्यादा भीड़ थी और आप लोग भी देख रहे हो। तो गाइस लोग, मंदिर के अंदर तो पूरा एकदम फुल हो चुका था और गाइस लोग, पर यहाँ टेंट में हम लोगों को जगह मिल गई थी। तो गाइस लोग, हम लोगों ने ये पांडाल में बैठकर कथा भी सुनी और मस्त वहाँ पर दर्शन किए। आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ से व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो गाइस लोग, मैं मंदिर दिखाने के लिए उधर से दूर आया था। तो गाइस लोग, आप लोग देख सकते हो कि ये कुबेरेश्वर महादेव जी का मंदिर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और गाइस लोग, आप लोगों को कैसा लग रहा है आज का व्लॉग, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और गाइस लोग, अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड नीचे जाकर अपने यूट्यूब चैनल दीपू का व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चले गाइस लोग, अपन लोग व्लॉग आप लोग देख ही रहे हो व्लॉग में, तो गाइस लोग देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और मतलब टेंट में हालांकि जगह तो मिल गई थी बट मैं आप लोगों को व्लॉग बनाने के लिए मैं भी बाहर आया था और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और गाइस लोग, आज मैं उधर की साइड भी जाऊँगा और आप लोगों को मंदिर के दर्शन कराऊँगा और वहाँ अंदर जो जो भी है वो आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आप लोग व्लॉग में बने रहना, आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है और गाइस लोग, आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होने वाला है। तो गाइस लोग, आप लोगों को अगर पूरा कुबेरेश्वर धाम देखना है तो आप लोग ये वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। आज की वीडियो में पूरा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। गाइस लोग, अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा बट बाहर से ही दिखाऊँगा और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बेस्ट वीडियोज़ मैंने बनाए हैं तो वो आगे आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिलेंगे। और गाइस लोग, आप लोग देख सकते हो कि मतलब ये जो भक्त सुनने आए थे कथा वो सब मतलब पांडालों में भी जगह नहीं थी तो उधर खेत में बैठ बैठ के सब सुन रहे हैं। तो गाइस लोग, सबकी भक्ति को प्रणाम और सभी मतलब काफ़ी ज़्यादा आस लगा के आए हैं और सभी आप लोग देख सकते हो कि सब अच्छे से कथा सुन रहे हैं और सभी मतलब जिन जिन को जगह नहीं मिली वो खेतों में बैठ बैठ कर बना रहे हैं। और गाइस लोग, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, लिटरली मतलब पूरी कारें भी पूरे रोड पर कारें ही कारें हो गई थी। तो आप लोगों को अभी मैंने जैसे कि वीडियो में दिखाया ही है तो अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं पंडाल के अंदर शूट कर रहा हूँ और भीड़ आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा है। तो गाइस लोग, अभी ये पंडाल के अंदर की भीड़ है तो मंदिर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है और वहाँ पर तो कार में मैंने फ़ोटो ली थी। तो गाइस लोग, ये गेट की फ़ोटो है तो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए तो बाहर आया हूँ और आप लोगों के लिए व्लॉग्स बना रहा हूँ। तो ये फ़ोटोज़ देख सकते हो आप लोग कुबेरेश्वर महादेव जी की मंदिर की, तो ये मुरली मनोहर मंदिर की फ़ोटो है
और ये मैंने भी खिंचाई थी फ़ोटो। तो गाइस लोग कैसी लग रही है आप लोग कमेंट्स करके बताना, और अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक कर देना। तो गाइस लोग आप लोग देख सकते हो कि मैं इधर खेतों में घूम रहा हूँ और मस्त व्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मतलब टेंट में जगह थी बट मैं आप लोगों के लिए इधर से अच्छा सा व्लॉग बना रहा हूँ, तो आप लोग देखो। और गाइस लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, तो आप लोग व्लॉग को सीधे ही देख कर भगमत जाया करो। प्लीज़ गाइस लोग एक लाइक कर दिया करो, जिससे कि हम भी मोटिवेट हो जाए और आप लोगों के लिए ऐसे ही ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाता रहूँगा मैं, तो आप लोग चैनल पर बने रहना। तो गाइस लोग अभी ये थोड़ी दूर से मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, बट गाइस लोग ये थोड़ी दूर का आप लोगों को दिख रहा होगा, बट अभी अपन लोग उधर चलते और उधर जाकर मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा व्लॉग बनाता हूँ। तो चलिए गाइस लोग अपन लोग चलते हैं अभी, तो आप लोग यहीं से देखो और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। देखो ये पब्लिक भी मतलब पूरी खेतों में ही, इधर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बट गाइस लोग काफ़ी ज़्यादा मस्त मज़ा आया वहाँ पर कथा सुनने में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब देख सकते हो आप लोग, तो सभी भक्त मस्त बैठ कर कथा सुन रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस लोग मतलब परेशानी वाली तो कोई बात नहीं थी, बट काफ़ी ज़्यादा मस्त रहा। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा है वहाँ पर कथा सुनने में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और मैं भी इधर खेतों से मस्त व्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि सभी छाँव में बैठ बैठ के कथा सुन रहे हैं। तो गाइस लोग आप लोग भी गए हो तो मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो गाइस लोग अभी आप लोगों को उधर लेके चलता हूँ, तो चले अपन। तो गाइस लोग ये पास से मैंने फ़ोटोज़ खींची थी, तो और फिर भी थोड़ी सी दूर भी था, इतने ज़्यादा पास नहीं था, आप लोग फ़ोटोज़ देख रहे होंगे। और गाइस लोग ये कुबेरेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और जो पहले था वो मुरली मनोहर जी का मंदिर था, ये आप लोग देख सकते हो। तो गाइस लोग कुबेरेश्वर धाम का व्लॉग है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अच्छा लग रहा हो तो भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना। तो आप लोग भीड़ देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा हो गई है, और मतलब भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी, बट गाइस लोग कथा सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और गाइस लोग तो गाइस लोग मतलब कथा सुनने में काफ़ी ज़्यादा, तो गाइस लोग आप लोग को कुछ सीखने को मिलता है, तो आप लोग भी कथा सुना करो, मैं भी सुनता हूँ। आप लोग देख ही सकते हो मैं यहाँ पर आया हूँ, और आप लोग भी आए हो तो ज़रूर बताना। सब लोग अपन लोग पास से चलते हैं और वहाँ से व्लॉग शूट करते हैं, तो अपन लोग चलेंगे अभी। अभी तो मैं इधर खेतों से ही व्लॉग बना, तो लोग मैं सिंगल ऐसा फेस करके भी वो बना लेता, बाकी गाइस लोग आप लोगों को तो पता ही है कि ट्राईपोड में, आप लोगों को तो नहीं पता होगा, मैं मेरा ट्राईपोड ही घर पर भूल गया था तो कैसे बना था। तो गाइस लोग आप लोग देख सकते हो ये पास की फ़ोटोज है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है। गाइस लोग मंदिर काफ़ी ज़्यादा मस्त है, मैंने भी देखा पास से, तो गाइस लोग वहाँ से तो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, देखो आप लोग। तो ये देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है, और मस्त एकदम सब बैठे हुए मस्त कथा सुन रहे, और आप लोग देख ही रहे हो वो लोग। तो गाइस लोग मैं दूर से झूम कर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस लोग व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी आज का व्लॉग बनाने में। तो गाइस लोग ये फ़ोटोज़ है जो भीड़ की मैंने खींची थी, तो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट्स करके बताना। और बोलते हैं ना अच्छी फ़ोटोग्राफी, मजाक कर रहा था गाइस। तो गाइस लोग आप लोग देख सकते हो ये फ़ोटोज़ चल रही है अभी, और ये वीडियो आ गया है अपना। तो गाइस लोग ये हम लोग इधर की साइड पर आ गए हैं, अब आप लोगों को दिखाऊंगा मैं मंदिर पास से। तो गाइस लोग वीडियो का मेन मतलब मेन वीडियो यहीं से चालू होगी, अब आप लोगों को पास से मैं दिखाऊंगा, ये दूर से मैंने पहले बनाया था, अभी इधर से रोड पे से जाएंगे और फिर आप लोगों को पास से मंदिर दिखाऊंगा मैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वैसे भी वीडियो ब्लर मार गया तो सॉरी उसके लिए, हो गया अच्छा हो गया। तो चलते हैं अपन लोग फटाफट से उधर। तो वैसे लोग देखो इधर ठेले वेले भी लगे हुए धान के इनके, तो आप लोगों को खाना हो तो वीडियो में से निकाल लो और खा लो, मज़ा कर रहा था। आप लोग अपने इधर मार्केट में भी मिलते हैं। तो वैसे लोग ये देख सकते हो इधर मतलब ये दुकानें भी लगी हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा मस्त था वो गैस, वहाँ पर मैं गया था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को वहाँ पर जाकर। और गैस लोग लिटरली काफ़ी ज़्यादा सही, तो गाइस लोग काफ़ी ज़्यादा मस्त मंदिर है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं गया था, आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल ही रहा है, तो गाइस लोग प्रूफ भी मैंने आप लोगों को दे दिया है कि फ़ोटो है मेरी।
तो वैसे लोग ये दुकानें हैं खिलौनों की, तो आप लोग भी गए होंगे और अगर आप लोग लाए हो तो मेरे को बता देना। अब हम लोग वापस से रोड पर चलते हैं और उधर की साइड से आप लोगों को पूरा मंदिर दिखा दे, तो आप लोग बने रहो वीडियो में। पानी भी मिल रहा है और खाने के लिए खाना भी मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएँ भी है, तो आप लोग देख सकते हो। तो वैसे लोग अभी हम लोग मंदिर के पास आ गए, अभी थोड़ी और पास जाएंगे हम लोग, तो आप लोग वीडियो में बने रहो देखना। और इधर ये दुकानें भी लगी हुई हैं और अभी हम लोग चलते हैं उधर, तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, भले अपना कैमरा ज़्यादा जूम हो ना हो बट हम तो दिखा रहे हैं। तो वैसे लोग फ़ोटोज़ खींची हुई है, तो कैसी लग रही है फ़ोटोज़ आप लोग ज़रूर बताना। तो गाइस लोग चल रहे हैं अपन लोग आगे आगे, किसकी गाड़ी खड़ी है पता नहीं होगी किसी की, तो चलते हैं अपन लोग इधर से। तो ऐसे लोग मंदिर के फटाफट से पास चलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बातें करूँगा तो आप लोग बोर हो जाओगे और वीडियो को छोड़ के भाग जाओगे, पता है मुझे। तो ऐसे लोग फोटोज़ आप लोगों को कैसी लग रही है, मतलब ये बच्चे वाली भाषा के कैची लग ली है, मतलब फ़ोटोज़ कैसी लग रही है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अच्छी लग रही हो तो वीडियो को तो ज़रूर लाइक ही कर देना, क्योंकि वीडियो और ये मेरी फ़ोटो आ गई है, देखो कैसी लग रही है, ऑसम लग रही है या नहीं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ये मंदिर की फ़ोटो है, तो ऐसे लोग मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो देखो आप लोग। और ये मैंने व्लॉग भी बनाया था थोड़ा सा अपना, और देख लो दो वीडियो अभी दिखा दी मैंने आपको। तो ऐसे लोग अभी ये जो अंकल जी है, मतलब ये बहुत दूर से बाहर से कहीं से आए थे, तो उन्होंने बोला था कि हमारा भी वीडियो बना लो, तो बना दिया गाइस लोग। तो आप लोग देख सकते हो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा भक्त आए थे वहाँ पर, और गाइस लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो सही में गाइस लोग आप लोग भी गए हो तो आप लोगों को भी, तो आप लोग भी गए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कितना ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर जाकर। और ये देख सकते हो ये यहीं पर अभी खड़े हैं, तो इनकी फ़ोटो ले लिए हम लोगों ने, हम लोग महाराज जी को सेंड कर देंगे। तो देख लो आप लोग गाइस मंदिर की फ़ोटोज़ तो कैसी आ रही है फ़ोटोज़ अब, फिर भी मैं इतनी दूर से फ़ोटोज़ खींची है, तो थोड़ा वो झूम के कारण वो थोड़ी सी फ़ोटोज़ ऐसी ठीक से नहीं आ रही होगी, बट फिर भी खींची है मैंने आप लोगों के लिए जैसी। तो देख लो आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ से आप लोग देख ही सकते हो। तो और गाइस लोग मैं साथ ही साथ उज्जैन भी गया हूँ, तो गाइस लोग उज्जैन की भी मेरे पास ब्लॉग्स है, तो गाइस लोग अभी उज्जैन के भी ब्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोग बने रहना अपने चैनल पर। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल दीपू के ब्लॉग्स को, तो फटाफट से नीचे जाकर अपने यूट्यूब चैनल दीपू के ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस लोग अभी हम बिल्कुल एकदम कुबेरेश्वर महादेव जी के मंदिर के एकदम बिल्कुल पीछे आ गए, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर पूजा पाठ भी करी है, मतलब सब कर रहे थे तो पूजा करी हमने भी। तो वैसे लोग आप लोग देख सकते हो, और ये मंदिर, तो वैसे लोग मंदिर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा मंदिर लगा। और वैसे लोग ये और फोटोज़ आ गई है मेरी, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा हूँ मैं। और ये मंदिर की फ़ोटोज़, तो वैसे लोग मस्त लग रही है फ़ोटोज़। और ये गेट की फ़ोटोज़, तो वैसे गेट पास तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो अंदर तो मैं गया नहीं। और ये देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ सब दूर देखो तो एकदम भक्ति भक्त दिख रहे हैं। और वैसे लोग मंदिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं तो बस यही कहूँगा कि मंदिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वैसे लोग कथा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई, हम लोगों ने भी सुनी, तो वैसे लोग कथा सुनना चाहिए, आप लोग भी सुना करो। और जिस जिसने सब्सक्राइब किया था सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई लोग, और कथा भी सुनो आप लोग, तो देख लो मंदिर। तो वैसे लोग आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अभी देख लो आप लोग भीड़ काफ़ी ज़्यादा, और मैं मतलब ऐसा व्लॉगिंग टाइप भी व्लॉग भी बना रहा आप लोगों के लिए, वैसे भी आप लोगों के साथ बात कर सकता था मैं मेरा मुंह दिखा के भी, बट गाइस लोग वैसे में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, किसी का धक्का लगता अपना मोबाइल गिर जाता, ज़बरदस्ती में मोबाइल छूट जाता, क्या मतलब देता, इसलिए मैंने नॉर्मल व्लॉग शूट के लिया है। आवाज़ भी हो गई अपनी, आप लोग सुन ही रहे हो अपने बोया बाय M1 माइक से, तो गाइस लोग आवाज़ भी कैसी आ रही है ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और ये फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, देख लो। तो ये मैंने इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे डालने के लिए बनाई थी, बट अभी तो मैंने खींची थी मतलब डाली नहीं, अभी डाल देंगे अपन लोग। तो अगर आप लोगों ने मेरे को फेसबुक पे क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं सेंड की है, तो आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दो, दीपक विश्वकर्मा नाम से आईडी है मेरी फेसबुक पे। और इंस्टाग्राम पे तो आप लोगों को पता ही होगा दीपू के व्लॉग्स से इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, तो आप लोग फॉलो कर लेना दोनों जगह पर,
यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लेना। तो वैसे लोग एक गेट के पास भी आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। बट गाइस लोग कथा सुनना मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर कथा सुन के और दर्शन करके। तो गाइस लोग हर हर महादेव आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि गाइस लोग आपका भाई महाकाल बाबा का भक्त है और आप भी भक्त हो। तो गाइस लोग कमेंट्स में हर हर महादेव आप लोग लिख देना और मैं आप सभी लोगों को कमेंट्स का वेट करूँगा। आप लोग ज़रूर से हर हर महादेव लिख देना और मैंने वीडियो में आप लोगों को क्या क्या कमेंट करने के लिए बोला है वो भी कमेंट कर देना। और ये देख लो यहाँ पर ये कुबेरेश्वर धाम का बोर्ड लगा था तो मैंने उसकी भी फ़ोटोज़ खींची, इधर से खींची तो इधर काली आ रही है। अभी उधर की साइड की आपको फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी आगे वीडियो में, आप लोग देखो। तो गैस लोग ये मतलब गाड़ियों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है तो उसको इग्नोर मारो और देखो। तो गैस लोग ये फ़ोटोज़ देख लो आप लोग। तो गैस लोग बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को और उसके ऊपर त्रिशूल भी है। तो और ये देख लो आप लोग भीड़ कितनी ज़्यादा है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ मंदिर कितनी ज़्यादा दूर है आप लोग देख सकते हो। तो ये खेतों के उधर से तो गैस लोग जाने में तो इधर खेतों में से गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो हम इधर से गए थे, बट आने में हम इधर से आ गए क्योंकि हम लोग जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हम लोग उधर से ब्लॉग बना रहे थे उधर के उधर आ गए। तो वैसे लोग दर्शन मैंने करे और कथा भी सुनी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को और वैसे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग भी जाया करो, कथा सुना करो। तो वैसे लोग आप लोग भी जाना और अगर गए हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना भाई लोग। तो वैसे लोग आप लोग देख सकते हो कि अभी हम लोग इधर हमारी जो कार पार्किंग तो वैसे लोग हमारी कार पार्क करी थी तो हम लोग बीच में ही मतलब तो वैसे लोग हमारी कार हम लोग इधर पे कार तो वैसे लोग अभी हम लोग हमारी कार के पास जा रहे हैं क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो कारें काफ़ी ज़्यादा दूर लगी थी। तो उधर भी देख लो कितनी ज़्यादा कार लगी है और हमारी कार भी उधर आगे लगी है। तो वैसे लोग आप लोग देख सकते हो और सभी लोग बाग मतलब अपनी कारें ढूंढ रहे हैं, बसें ढूंढ रहे हैं। ये तूफ़ान निकल के गई, तूफ़ान। तो ऐसे लोग मैंने दूर से फ़ोटोज़ खींची थी मंदिर की तो आप लोग देख सकते हो। और ये वीडियो तो ऐसे लोग कैसा लग रहा है मंदिर आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ये इधर के साइड से मैंने आप लोगों को फ़ोटो सब दिखा देता हूँ उस साइड से क्योंकि थोड़ी काली आ रही थी धूप की वजह से। तो ऐसे लोग देखो गाइस लोग मेरे को जहाँ आप लोग बनाने का लगा मैंने वहाँ सब दूर लोग बनाया आप लोगों के लिए और काफ़ी ज़्यादा मस्त बनाया। तो वैसे काला भूज दिख रहा हूँ मैं क्योंकि वैसे लोग इतनी दूर से चल रहे हैं हम लोग तो थोड़ा पसीने के कारण काला ही दिख रहा हूँ और ऐसा भी है अपन काले तो कोई बात नहीं। तो वैसे लोग देख सकते हो आप लोग क्या बोलते हैं खेतों में से भी आ रहे हैं और मैंने ये तूफ़ान के पीछे फ़ोटो खिंचा ली थी बट ये अपनी तूफ़ान नहीं, अपन तो दूसरी कार से आए थे तो अपन लोग अपनी कार के पास ही जा रहे हैं अभी तक क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बड़ा मतलब पार्किंग इधर बहुत बड़ी थी तो ढूंढ रहे अभी हम लोग कार को मतलब आगे ही है, आगे हम जा रहे हैं कार को ढूंढने और कार में बैठ के फिर अपन लोग चलेंगे घर अपने। और क्या, और मैंने आप लोगों को बोर्ड दिखा दिया देख लो आप लोग। और गाइस लोग मैंने फ़ोटो खिंचाते टाइम का ये वीडियो अब देखना मैं आऊँगा तो फोटो खिंचा लिए हो गया काम खत्म। अब चलते हैं अपन लोग फटाफट से अपनी कार ढूंढने और एक और फोटो तो हो गई अपनी फ़ोटो क्लिक, मोबाइल ले लिया अपन लोगों ने वापिस। और ये उधर आगे भी एक बैनर लगा था तो ये वहाँ की भी हमने फ़ोटोज़ खींच ली। तो वैसे लोग कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो वैसे लोग आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब देखो ये 16 सीटर में दो दो एक साथ चल रही है ये पावर बोलते भक्त जी। तो ऐसे लोग देखो ये आयसर भी है और मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं आयसर नहीं टेम्पो है मगर दूर से आयसर जैसा दिखा वो। तो ऐसे लोग देखो इधर की साइड भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और इधर की साइड भी और ट्राला भी क्योंकि ऐसे लोग हाईवे था तो ये तो होना स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे लोग ट्रक देखो कितने आराम से जा रहा है बड़ा। तो ऐसे लोग देखो 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 तो ऐसे लोग अभी हम लोग फिर भी अभी तक जा रहे हैं हमारी कार के पास और
एक आपके पास जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो बस लोग फाइनली हम लोग हमारी कार में बैठ चुके हैं और जो फोटोज देख रहे हो ये कार में से क्लिक किए क्यों। तो वैसे लोग ये जो अब अपनी कार स्टार्ट हो चुकी है, अपन लोग बैठ चुके हैं। तो वैसे लोग इतनी दूर चलने के बाद फाइनली अपनी कार में बैठ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक लोग काफ़ी ज़्यादा दूर पैदल तक चला और ये कार में से आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं सीन। तो देखो आप लोग, तो वैसे लोग ये देखो यहाँ पर भी जाम है और वैसे लोग ये जाम भी 7 से 8 किलोमीटर लंबा जाम था। तो अब इसमें धीरे धीरे ढुचुक ढुचुक अपनी कार चल रही है। तो अभी अपन लोग चलते हैं, आप लोग देखते रहो। और उधर की साइड फॉर्चुनर थी, देखा। तो गाइस लोग ये व्लॉग तो काफ़ी ज़्यादा मस्त बना है अपना। तो वैसे लोग मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, कर देना लाइक। तो वैसे लोग आप लोग देख सकते हो ये दूसरी कार अपने साइड से, नहीं ये तो पेड़ पौधे हैं, उनको लगा कार है। तो देखो ये कितनी ज़्यादा, अपन लोग फिर यहाँ से थोड़ा जैम मतलब खुल गया था जाम, तो यहाँ से फिर भी अपन की कार सही से चल रही है। देखो आप लोग अच्छे से चल रही है, तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा जाम हो गया था। तो ऐसे लोग ये हाईवे देख लो। तो गाइस लोग फाइनली आप लोगों ने व्लॉग में देख ही लिया होगा कि कुबेरेश्वर धाम में, तो गाइस लोग आप लोगों ने फाइनली वीडियो में देख ही लिया होगा कि रुद्राक्ष महोत्सव के दिन कितनी ज़्यादा भीड़ थी और ये कुबेरेश्वर धाम का व्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और गाइस लोग अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस लोग आप लोगों को अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रेवल व्लॉग्स और मतलब मेरे व्लॉग्स देखना है तो आप लोग नीचे जाकर अपने चैनल दीपू का व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे कि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो आप लोग व्लॉग कभी भी मिस नहीं कर पाओगे। तो गाइस लोग इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑल पर प्रेस कर लेना बेल नोटिफिकेशन को। तो गाइस लोग मैंने आप लोगों को बता दिया है। और गाइस लोग कुबेरेश्वर धाम का भी आप लोगों ने वीडियो देखा, तो गाइस लोग आप लोग कैसा लगा तो ये मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस लोग। और गाइस लोग आज की वीडियो आप लोग कैसी लगी, तो गाइस लोग अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइस लोग खरगोन नवग्रह मेला के ऊपर भी व्लॉग्स आएंगे और अब से अपन लोग डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस लोग इस बार सचमुच डेली व्लॉग्स अपन लोग डालेंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहना। और गाइस लोग अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे जाकर अपना यूट्यूब चैनल दीपू का व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को मेरी हर नए आने वाली वीडियो का सबसे पहले मिलते रहे। तो गाइस लोग अपने आज के इस व्लॉग में तो बस इतना ही था। तो मिलते हैं अपन लोग न्यू व्लॉग के साथ यानी कि कल, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।